जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को आमला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसका बहुत महत्व है। इस दिन किया हुआ दान तप जप हमें अच्छे होकर प्राप्त होता है। अच्छे मतलब जिसका कि कोई अंत ही नहीं है, बहुत प्राप्त फलदायी होता है इस दिन आमला नवमी की पूजा करना। आमला नवमी से ही समझ आ जाता है कि इस दिन हमें आमले के वृक्ष की पूजा करी जाती है। तो कैसे पूजा करनी है? प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आमले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए और फिर उसकी जड़ में दूध की धार लगाकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटें। कच्चा सूत ना हो तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं। उसके बाद कपूर से आरती कीजिए और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए आंवले के वृक्ष से प्रार्थना कीजिए। आंवले का वृक्ष में उस समय भगवान विष्णु का वास होता है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, लक्ष्मी माता से, कि हमारे परिवार में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान किया करता था और बाद में ही खाना खाता था। पहले एक मन सोने के आंवले दान कर देता था। एक दिन उसके बेटा बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले दान करेंगे सोने के तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान बंद कर दो। तब राजा और रानी गुस्सा होकर और मजबूर होकर कि आप हम पूजा भी नहीं कर सकते, अपने हिसाब से दान धर्म भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने राज का छोड़ दिया है और जंगल में चले गए। वहाँ राजा के पास उजाड़ में जाकर बैठ गए हैं। आंवला के दान तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा, अगर मैंने इसका सत्य नहीं रखा, मैंने अपने भक्ति की, अपने भक्त की भक्ति की मतलब इस समय भी साथ नहीं दिया तो ये मेरा भक्त टूट जाएगा। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्त की रक्षा जरूर करूंगा। तब भगवान ने उसने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और भोजन कर लो। तब राजा रानी उठकर देखते हैं तो पहले जैसा राजपाट हो गया है। जंगल में रह रहे थे और जंगल में ही मंगल हो गया है, राजकाज हो गया है, सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी सभा मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे और बहू के राज्य में अन्नदाता का प्रकोप हो गया, राज पर हमला कर दिया दूसरे राज्य वालों राज्य ने और उनका सारा राज्य छीन लिया और उनके यहाँ पर दरिद्रता आ गई। आसपास के लोगों ने कहा उनसे कि जंगल में एक आमलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ, वो तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वो दोनों वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को पहचान गई। अपने पति से बोली, इन लोगों से हम कम करवाएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। जबकि बेटे बहू ने उनको घर से निकाला था तो भी माँ का हृदय फिर से द्रवित हो गया है और बोल रही है कि हम इनसे काम कम करवाएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर से नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से पानी निकल कर रानी की पीठ पर आ गिरा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था और हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हमारे सास ससुर एक मन आंवले का दान किया करते थे तो हमने उन्हें घर से निकाल दिया था, इसीलिए हम लोग दरिद्र हो गए, इसीलिए अन्नदाता का हम पर प्रकोप हुआ और हमारा राज्य भी दूसरे राजा ने छीन लिया। तब सास बोली, चिंतित ना हो, मैं ही हूँ तुम्हारी सास, भगवान की हम पर कृपा हुई है, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माँ की, और भगवान ने हमें सर्व सामर्थ्य बना दिया और हम लोग अभी भी आंवले का दान कर रहे हैं और उसी से भगवान हमें पुण्य धर्म की प्राप्ति हो रही है। तुमने हमें निकाल तो दिया था पर तो भगवान ने हमारा सत्य रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी के ऊपर आप कृपा करी वैसे ही आप सबके ऊपर करना, कहते सुनते सबके ऊपर कृपा करना। तो ये आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए जिससे हमारे मनोरथ की शीघ्र प्राप्ति होती है। आप आशा करती हूँ आपको मेरी कथा कहानियाँ सुनाना अच्छा लग रहा होगा। आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे नित्य मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।